तो इसी के साथ आपको बता दें, मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह की बेटी मीनाक्षी माधुरी मिसेज झारखंड चुनी गई। इसके साथ ही बेटी की उपलब्धि पर मनोहर प्रसाद खासा उत्साहित नजर आए। इस मौके पर उन्होंने अपने आवास पर भोज का आयोजन भी किया और केक काटकर खुशी जाहिर की। भोज में कई राजनीतिक लोग भी शामिल हुए। सभी ने माधुरी के उज्जवल भविष्य की कामना की। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, मीनाक्षी मिसेज झारखंड बनी है और इस मौके पर भोज का आयोजन यहां पर किया गया और केक काटकर खुशी जाहिर की गई। विधायक मनोहर प्रसाद ने भोज भी दिया केक काटकर, किस तरीके से खुशी जाहिर की वो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल हुए और सभी ने भविष्य की कामना। तो मदद के लिए तो शुरू से तेज लड़की थी और मेडिकल में भी कम्पीट किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया कि इसको सूचना नहीं दी गई और सूचना नहीं देने के बाद कह दिया कि उसका नीचे वाले को ले लिया गया। फिर इंजीनियरिंग में भी उसने कम्प्लीट किया था, लेकिन इंजीनियरिंग में सिविल मिला था, तो मैंने कहा छोड़ो इंजीनियरिंग में सिविल में क्या जाऊँगा, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन फिटनेस के बारे में बराबर उससे मदद मांगती थी तो कैसे कैसे होगा, तो हम लोग उसके बाद हम लोग करते रहे उनको, ठीक है तुम अपना करो कोर्स वर्स करो। तो इन्होंने अपना स्कूल भी खोला और स्कूल ही चलाया। इसमें क्षमता है, क्षमता से अपना काम किया। सबको धन्यवाद देना चाहूँगी जो आप लोग शामिल हुए मेरी इस खुशी में। और ये एक 6 महीने पहले से स्टार्ट हुआ था कंपटीशन, ये एफसीआर द्वारा जो आर्मी के लोग रहते हैं उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो उसके 6 महीने पहले से ये शुरू हुआ था कंपटीशन। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कॉम्पिटिशन होते थे और टोटल 10 राउंड होते थे। तो सब पे मैं आगे बढ़ते हुए मैंने फिटनेस में इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे मैं गई और विनर बनी, और मिसेस इंडिया में मैं मिसेस झारखंड बनी ब्यूटी पेजेंट। तो ये अगर मेरा मेन मकसद था कि अगर मैं जीतती हूँ तो अभी मैं जमशेदपुर या झारखंड या फिर बिहार के लिए उनके महिलाओं के लिए मैं रोल मॉडल हूँगी, क्योंकि इस महिलाएँ ये सोचती हैं कि इस एज में आकर के कुछ नहीं होता, बट ये गलत होता है।